हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा कोषाण, क्योंकि पिछली क्लास में कोषाण थोड़े बहुत रह गए थे, इसलिए हम कोषाणों को कंप्लीट कर लेते। ऐसे मैंने लिख दिया कोषाण। ये जो कोषाण थे यह विदेशी थे। विदेशी तो थे, लेकिन ये कहां से आए थे इसके बारे में हमें रूपरेखा बनानी है। यदि हमें कोषाणों का अध्ययन करना है ना, तो हमें पहले उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगी, जिससे हमें समझ में आ जाए कि जो कोषाण थे भारत में कहां से आए थे और इनका क्या एग्जिस्टेंस था। तो कोषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले कहां जाते हैं? चीन में जाते हैं। ऐसे मैंने यहां पे लिख दिया चीन। मैंने चीन क्यों लिख दिया? मैंने चीन इसलिए लिख दिया कि इधर क्या है, चीन है, इधर मेरा भारत है। तो यहां से चीन से कहां पे आए थे? भारत में आए थे। कौन आए थे? कुषाण आए थे। कुषाणों को ही हम या तो यूची कहें या फिर तोखरी कहें। ऐसे मैंने लिख दिया तोखरी। इससे हम यूची भी कह सकते हैं और तोखरी भी कह सकते हैं। ये चीन के जैगजार्टिस प्रांत से आए थे। ऐसे मैंने लिख दिया चीन के जैगजार्टिस प्रांत से भारत में आए थे। जब यह भारत में आ गए तो इन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र बिंदु पेशावर एवं मथुरा को बनाया था, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानियां कहां बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी एक तो बनाई थी पेशावर, जिसे हम पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया पुरुषपुर, और सामने मैंने लिख दिया पेशावर। यानी एक ही चीज के दो नाम मिल रहे। दूसरी राजधानी मैंने लिख दी यहां पे मथुरा। क्या लिख दिया मैंने? मथुरा लिख दिया। कुषाणों ने इन दोनों को केंद्र बिंदु बना करके भारत में क्या किया था? शासन किया था। ये तो मैंने उनकी रूपरेखा बता दी है, लेकिन कुषाणों का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक, ऐसे मैंने यहां पे लिख दिया संस्थापक। इसका नाम मुझे मिलता है कुजुल, ऐसे लिख दिया कुजुल। और कडफिसेस, ये जो कुजुल कडफिसेस था, इसका कुषाण वंश के उत्थान में कोई ज्यादा योगदान नहीं था। जब आप बताओ ज्यादा योगदान नहीं होगा, तो उसके बारे में हमें ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब कुजुल कडफिसेस के बाद दूसरे नंबर का इसका उत्तराधिकारी जो था वो था बिम कडफिसेस। कौन था? बिम कडफिसेस था। ये जो बिम कडफिसेस था ना, इसने भारत में सबसे पहले मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले बिम कडफिसेस ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। काय के सिक्के चलवाए थे? सोने के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट अपना पुट आउट होता है कि मौर्योत्तरकालीन किस शासक ने भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे? तो उनका नाम मुझे बिम कडफिसेस मिलता है। बिम कडफिसेस ने ओनली सोने के सिक्के ही नहीं चलाए थे, बल्कि इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। क्या? काय के? तांबे के सिक्के। इतना क्लियर है आपको? बिल्कुल होगा क्लियर? कोई डाउट आपको? बिल्कुल नहीं। ये जो तांबे के सिक्के थे ना, इन पर इन्हें विशेष चित्रों का चित्रांकन करवाया गया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिव लिख दिया। अब बताओ भगवान शिव किस पे सवारी करते हैं? नंदी पे करते हैं। ऐसे मैंने नंदी लिख दिया। और भगवान शिव कौन सा अस्त्र धारण करते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं। यानी ये तीनों चीजों का चित्रांकन हमें
तांबे के सिक्कों पर मिलता है जो बिमकट प्रशस्त के द्वारा चलाई गई थी। इस जो बिमकट प्रशस्त था यह शिव की भक्ति करता होगा। क्यों करता होगा? क्योंकि जब इसने अपनी मुद्राओं पर भगवान शिव के प्रतीकों का चिन्ह बनवाया है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि इसने क्या किया होगा, इसने भगवान शिव की भक्ति की होगी। ठीक है, इतना क्लियर। फिर भीमकट प्रशस्त के बाद कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कहें या फिर सबसे महान सम्राट कहें, जिसका नाम मुझे कनिष्क मिलता है। क्या मिलता है? कनिष्क मिलता है, पिछली वीडियो में हमने यहीं तक छोड़ दिया था, कनिष्क तक। ये जो कनिष्क है ना, यह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ऐसे मैंने लिख दिया 78 एडी। हमें क्या स्टूडेंट्स को एडी और बीसी में डाउट होता है। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एना डोमिनी एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का घटनाक्रम, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का घटनाक्रम। लेकिन अभी हम 78 एडी में आ रहे हैं। 78 एडी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है, लेकिन कुछ विद्वान इसमें मतभेद व्यक्त करते हैं, लेकिन सर्वमान्य डेट क्या है? 78 एडी है। इसी 78 एडी में इनका राज्यारोहण हुआ था, और राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही इन्होंने शक संवत चलाया था। शक संवत की स्टार्टिंग कब से हुई थी? शक संवत की स्टार्टिंग 78 एडी से हुई थी। आज जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट शक संवत को भारतीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। ये तो हमने कनिष्क के बारे में इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये जो कनिष्क था ना, यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ऐसे मैंने लिख दिया साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों पर अटैक करना और उनको अपने राज्यों में मिलाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद की नीति के अंतर्गत इसके तीन देशों के साथ संबंध रहे थे। पहला मैंने चीन लिख दिया, दूसरा मैंने पार्थिया लिख दिया। पार्थिया को ही हम ईरान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईरान भी कह सकते हैं। और एक और नाम मैंने लिख दिया, कौन सा? रोम लिख दिया। अब इन तीन देशों के साथ संबंध थे, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं? जरूरी ये नहीं है कि तीनों के साथ इसने दोस्ती स्थापित की हो। किसी के साथ दोस्ती होगी तो किसी के साथ दुश्मनी भी होगी। तो चीन के साथ में इसकी शत्रुता थी, पार्थिया के साथ में भी इसकी शत्रुता थी। ये जो रोम था ना, रोम, इसके साथ में इसके मैत्री संबंध स्थापित थे, लेकिन इस चीन के साथ में दुश्मनी थी। अब वो दुश्मनी की जड़ क्या थी? अब क्या है ना, जिंदगी में किसी व्यक्ति को कभी ना कभी तो प्यार का अफेयर चल ही जाता है। अब क्या हुआ, कनिष्क जो है इनको यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया। अब क्या करें, प्यार हो गया। जब यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो जाता है तो अपने राजदूत को कहाँ पहुंचा देते हैं? चीन के हन राजवंश, ऐसे मैंने लिख दिया हन राजवंश। ये जो राजकुमारी थी वो होती के हन राजवंश की राजकुमारी थी, ऐसे मैंने लिख दिया होती, चाइनीज नाम है। होती का एक हन राजवंश था, वहां की राजकुमारी थी। जब राजकुमारी के लिए यह रिश्ता भेजता है कहां पर? चीन में भेजता है, तो इसके राजदूत को वहां से भगा दिया जाता है, यानी कनिष्क के प्रस्ताव को नामंजूरी मिल जाती है। यानी उसने प्रपोज किया तो प्रपोज का प्रपोजल ठुकरा ही दिया। तो क्या होता है,
जब इधर यहाँ का राजा कनिष्क का प्रपोजल ठुकरा देता है ना, तो कनिष्क को बहुत ही गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि पहली पहली बार मोहब्बत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। अब आगे क्या है गाना कि पहली पहली बार मोहब्बत तो हो गई, लेकिन कुछ न समझ में आया मैं क्या करूं, तो इसने यहाँ पर अटैक कर दिया। कहाँ पर? चाइना की, चाइना में हन राजन वंश पर इसने अटैक कर दिया। उस समय हन राजवंश में एक सेनापति था जिसका नाम मुझे पेंचाओ मिलता है। ये जो पेंचाओ वाला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ है। ये जो पेंचाओ था ना, यह भी राजकुमारी के पीछे पड़ा हुआ था, यानी यह भी राजकुमारी का आशिक होगा, तभी तो उसने लड़ाई की। जब पेंचाओ ने कहा कि महाराज आप टेंशन मत लो, हम कनिष्क को देख लेंगे, तो पेंचाओ और कनिष्क के बीच में युद्ध होता है। ऐसे मैंने लिख दिया कनिष्क, ऐसे मैंने लिख दिया वर्सेस पेंचाओ। पेंचाओ एक तरफ आप मजलू थे दोनों, पेंचाओ और कनिष्क। तो क्या हुआ, जब पेंचाओ और कनिष्क के बीच युद्ध होता है जिसमें पेंचाओ की जीत होती है और कनिष्क की हार होती है। अब क्या हुआ, जब आगे चलकर कालांतर में पेंचाओ की मृत्यु हो जाती है, ऐसे मैंने लिख दिया आगे चलकर क्या हो गई, पेंचाओ की मृत्यु हो गई। जब पेंचाओ की मृत्यु हो गई तो कनिष्क ने मौका मार लिया। बताओ मौका मारेगा कि नहीं? बिल्कुल मारेगा। जब पेंचाओ की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो कनिष्क दोबारा से अटैक कर देता है। कनिष्क दोबारा से अटैक कर देता, जब दोबारा से अटैक कर देता है तो आप बताओ घायल मजनू था। अब जब घायल मजनू होगा, घायल शेर की तरह ही तो अटैक करेगा, तो इसने यहाँ के सभी राजकुमारों को बंदी बना लिया, अपने यहाँ जमानत के तौर पर रख लिया, राजकुमारों को बंदी बना लिया, और साथ ही साथ यहाँ के पांच राज्यों को भी जीत लिया, जिनमें से एक का नाम मिलता है यारकंद। ऐसे मैंने लिख दिया यारकंद कासार। कौन सा लिख दिया? कासार लिख दिया और कारा लिख दिया मैंने, और मैंने कूची लिख दिया। इन चारों पांचों प्रांतों को है अपने राज साम्राज्य में मिला लेता है, जिसे हम चीनी तुर्किस्तान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चीनी तुर्किस्तान के नाम से जानते हैं। ऐसा कनिष्क का चीन के साथ संबंध था, लेकिन आगे चलकर के मुझे एक क्वेश्चन मिलता है कि भगवान बुद्ध की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन जो है वो कश्मीर में स्थित है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष के द्वारा की गई थी। ये जो वसुमित्र है, वसुमित्र यह कनिष्क के दरबार में रहते, और ये अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस चौथी बौद्ध संगति हो गई। अब कनिष्क के कुछ राजदरबार की शोभा बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूं। ऐसे यहां पे मैंने लिख दिया अश्वघोष, दूसरे नंबर पे मैंने लिख दिया चरक। अश्वघोष हो गया, चरक हो गया। अब मैंने अश्वघोष के बारे में यहाँ पे लिख दिया, अश्वघोष ने क्या क्या लिखा था। एक तो मैंने लिख दिया बुद्ध चरित, दूसरा मैंने लिख दिया सौंदरानंद। क्या लिख दिया? सौंदरानंद। तीसरा मैंने लिख दिया सारिपुत्र। इन तीनों की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें से जो बुद्ध चरित है ना, इस बुद्ध चरित को बौद्धों का महाकाव्य भी कहा गया है। क्वेश्चन बन जाता है बौद्धों का महाकाव्य किसे कहा गया है? तो बुद्ध चरित को ही बौद्धों का महाकाव्य कहा गया है।
ये जो बौद्धों का महाकाव्य है यह किसके द्वारा लिखा गया था? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। अश्वघोष ने ही इसकी रचना की थी, ठीक है कि नहीं बोलो। अब क्या होता है, एक सौंदरानंद के सारी पत्रों का चरक, ये जो चरक थे इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। किसकी रचना की थी? चरक संहिता की रचना। चरक एक चिकित्सक थे जो कनिष्क के राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे। एक और नाम मुझे मिलता है फेमस पर्सनालिटी का, जिसे हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन हर बार, चाहे आप उत्तर प्रदेश पीएससी दो, कोई सा भी एग्जाम दो, सीजीएल का दो, वहां से उठ के आता है। ये जो नागार्जुन था ना, इसने माध्यमिका सूत्र की रचना की थी। किसकी? एक तो माध्यमिका सूत्र की और एक सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना की थी। इनकी जो माध्यमिका सूत्र की रचना थी, इसकी तुलना इसके लिए ने मार्टिन लूथर किंग से तुलना की जाती है। मार्टिन लूथर किंग, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत चूंकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन को हम क्या कह सकते हैं? भारत का आइंस्टाइन भी कह सकते हैं। इतना मुझे क्लियर हो गया है, ओके। अब क्या हुआ, जब कुषाणों का पतन होता गया तो यहां पर एक क्वेश्चन मुझे मिलता है। क्या मिलता है? कि कुषाणों के शासन काल में सबसे अधिक बढ़ावा गांधार शैली को मिला था। दो शैलियां यहां पर मुख्य रूप से प्रचलित थी। एक का नाम मुझे गांधार शैली मिलता है, ऐसे मैंने लिख दिया गांधार शैली, और एक तरफ मैंने लिख दिया मथुरा शैली। ये दोनों शैलियों में हम अंतर किस प्रकार करेंगे? पहले मैंने लिख दिया गांधार शैली। मैंने जब आपको प्राचीन भारत की क्लास पढ़ा रहा था, इसमें मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था। बौद्ध धर्म से पहले मैंने आपको महाजनपद काल पढ़ाया था, तो मैंने महाजनपद काल में आपको बताया था कि जो गांधार की राजधानी है वो कहां थी? तक्षशिला थी, यानी आज का वर्तमान का अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो भाग है वो गांधार में आता है। तो गांधार की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला होगी। तो इस गांधार में ही हमें गांधार शैली के साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट जो है उनमें हमें गांधार शैली देखने को मिलती है। इस जो गांधार शैली है ना, इसमें विषय तो भारतीयता क्या था? विषय भारतीयता, इसका मतलब हम समझा रहे हैं, विषय भारतीयता, लेकिन शैली यूनानी थी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपने घर में एक महल बनवाया, गांव में महल बनवाया, मैंने कहा महल बनवा लो, तो महल बनवाया, मैंने कहा मेरा महल ब्रिटेन की महारानी की तरह होना चाहिए, यानी कैसी शैली होनी चाहिए उसकी? ब्रिटेन की महारानी के महल जैसी शैली होनी चाहिए, यानी शैली कैसी हो गई? यूनानी हो गई, ब्रिटेनी हो गई। और विषय कौन सा हो गया? भारतीय हो गया, क्योंकि मेरे घर ही तो बन रहा है, विषय भारतीय हुआ। तो इस तरह से विषय और शैली में अंतर है। अब मथुरा शैली क्या है? मथुरा शैली, इसमें शैली भी भारतीय थी और विषय भी कौन सा था? विषय भी भारतीय था। तो हम इसे क्या कहेंगे? यह शैली विशुद्ध रूप से भारतीय थी और यह शैली भारतीय और यूनानी की सम्मिश्रण थी। अब कौन सा, अब एक और सबसे बड़ा अंतर, इसमें सिलेटी पत्थरों का यूज किया गया था, सिलेटी पत्थरों का यूज किया था और इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था। लाल बलुआ पत्थर, यानी जो मथुरा शैली में भवन बने थे स्थापत्य कला के उदाहरण जो थे उनमें लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ था, और गांधार शैली में स्थापत्य कला में सिलेटी पत्थरों का यूज हुआ था। तो इस तरह से हमारी कुषाण वंश की समाप्ति होती है। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में जो भी
कमियां हो वो आप बताएं। धन्यवाद।